करेगी ना पूजा करने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया था। बहुत सारे कपड़े धुले थे क्योंकि मशीन लगाई थी ना, तो बस सारे कपड़े मैं यहाँ पे फोल्ड करके रख रही हूँ। बहुत सारे कपड़े थे, ये तो कुछ भी नहीं है, आधे भाभी के साइड हैं तो भाभी ने रख दिए फोल्ड करके। और ये है नाइट टाइम, मतलब 10:30 बजे का टाइम हो रहा था, मुझे भूख लग रही थी तो फिर मैंने यहाँ पर टोमेटो सूप बनाया था। ये मेरे पास इंस्टेंट वाला रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसी को बना के पीते हैं, और सर्दियों में ना इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है खाने पीने में। तो अभी टाइम हो रहा है कितना, मतलब 10:45 बज रहा है, और अभी यहाँ पर देखो क्या चल रहा है। अंजलि टोमेटो सूप क्या उड़ा रही हो, तुम सारे लोग सो गए और तुम्हारा मौज चल रही है। मैंने जगाया था लेकिन कोई जाग ही नहीं रहा था, फिर मैंने पी लिया था बना कर, मेरा बहुत मन कर रहा था, भूख भी लग रही थी मुझे। टोमेटो सूप बनाया मैंने, सर्दियों का फुल एंजॉय, मतलब इंस्टेंट वाला है ना इसलिए पूरा आनंद ले रही हूँ सर्दियों का। तुम ऐसा वेरी नाइस। तो गाइस आप भी कभी कभी ऐसा करते हैं क्या, जरूर बताना कमेंट करके कि रात को कुछ खाने की। रात को भूख लगती है कभी कभी, मोस्टली लगती है तुमको, नॉट कभी कभी। ऐसे नहीं लगती है कि मुझे खाना खाना है, मुझे क्रेविंग होती है किसी चीज की, कभी आइसक्रीम, कभी सूप, अब सर्दियों में कॉफी को भी होती है, कॉफी, पिज्जा खाने की। पिज्जा मिल जाएगा इतनी रात को? मिल तो सकता है, जाना ग्वालियर होता तो जरूर मिल जाता। ग्वालियर ही जाओ, चलो देखते। ओके एंजॉय करो, गुड नाइट। गुड नाइट। तो दोस्तों फिर से हो गया है नेक्स्ट डे और 21 दिसंबर है, और हम लोग अर्ली मॉर्निंग ही उठ गए थे। घर के सारे काम हो गए हैं, खाना वगैरह भी मैंने बना लिया है, बस यहाँ पे अब हम रेडी हो रहे हैं, ये भी रेडी हो रहे हैं। इन्होंने पूजा कर ली है क्योंकि मुझे टाइम लग रहा था, मैं जा रही हूँ ऊपर तुलसा जी में जल चढ़ाने के लिए। तो अमृता जिद कर रही थी किसी बात पे, तो भाभी ने डांट दिया, तो अमृता रो भी रही और रोते रोते देखो मेरा वीडियो भी शूट कर रही है। बच्चों का कुछ ऐसा होता है रोना। तो यहाँ पे मैंने तुलसा जी को जल चढ़ाया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, और अब चलेंगे हम नीचे। तो बस फाइनल मैं यहाँ पे रेडी तो हूँ ही, हम लोग वेट कर रहे हैं कि सब लोग रेडी हो जाएं, फिर हम निकलें घर से। और मैं भाभी से थोड़ा सा बोल रही थी, भाभी थोड़ा सा मेरे जो साड़ी के प्लेट्स हैं उनको ठीक कर दो, क्योंकि अपने हाथ से नहीं हो पाता, कॉटन की साड़ी हो गई या कुछ भी ना, तो अपने हाथ से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नॉर्मल साड़ी तो पहन लेते हैं। तो भाभी यहाँ पे मेरी प्लेट्स रेडी कर रही हैं और वो भी तैयार हो गई हैं, और बच्चों को थोड़ा बहुत वो खिला रही हैं। हमने तो कुछ भी नहीं खाया, बस चाय पी ली थी, क्योंकि खा के तो जाएंगे नहीं, पूजा करने जा रहे हैं अपने गांव हम लोग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 21 दिसंबर और आज है थर्सडे, तो हम लोग जा रहे हैं गाँव अपने और पूजा करने के लिए। तो अभी 11:30 बज गए हैं, हम लोग तो बहुत ही जल्दी रेडी हो गए, लेकिन और लोगों को टाइम लग रहा है। तो बस अभी तैयार हो गए हैं, खाना भी हमने बना लिया है क्योंकि वहीं पे जाके पूजा करके खाएंगे। तो आलू मटर की सब्ज़ी पूरी बना ली है, अचार वगैरह रख लिया है, और पैकिंग सारी हो गई है, बस हम लोग जा रहे हैं, शाम को वापस लौट के भी आ जाएंगे। तो देखते हैं मैं आपके साथ कितना ब्लॉग शेयर कर पाती हूँ। ब्लॉग में बनी रही, पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी इंडियन यूट्यूबर श्रद्धांजलि। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने अभी अपनी दवाई ले ली है, देखते हैं अगर फिर से मुझे आराम नहीं मिलेगा ना तो मुझे फिर से दिखाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं गांव, बहुत टाइम के बाद जा रही हूँ मैं, मुझे कोल्ड है, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। चलो चलते हैं। मैंने ये साड़ी पहनी आज, और ये साड़ी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये जो साड़ी है ना, ये मुझे मेरी मम्मी ने दी थी संक्रांति पे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और मैंने ये साड़ी पहनी है रेड ब्लाउज़ पे, ये देख सकते हैं, रेड ब्लाउज़ पे पहनी, ऊपर से रेड स्वेटर ही पहन लिया है, इसका ब्लाउज़ भी है बट मैंने नहीं पहना। तो मैंने जो स्ट्रेचेबल जो मैं लेके आई थी ना लोकल मार्केट से, वो वाला ब्लाउज़ पहन लिया। चलो चलते हैं। A few moments later. अगरबत्ती चुनरी दीपक दो नारियल। तो गाइस अभी हम पिछोर की एक छोटी सी शॉप पे खड़े हुए हैं, जहाँ से हम ले रहे हैं पूजा का सामान, पिछोर तक हम लोग आ गए।
मिठाई आ जाओ, निकल गए निकल गए, चलो चल जल्दी। तो बस हमारे डबरा के बाद एक छोटा सा गांव मिलता है पिछोड़ करके, डबरा पिछोड़, जहां से हमने थोड़ा बहुत पूजा का सामान लिया और कुछ पापा लेके आ रहे हैं। तो बस अभी हम लोग रास्ते में हैं, पापा को भी पिक करेंगे और भी लोग हमें मिलेंगे रास्ते में। तो बस उन सबको लेकर के फिर हम निकलेंगे जहां हम लोग पूजा करने के लिए अपने पुश्तैनी गाँव जा रहे हैं, मतलब मम्मी के ससुराल जा रहे हैं हम। तो मम्मी तो नहीं जा रही हैं, पापा जा रहे हैं और हम सब लोग जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं फिर आपसे वहीं पे। और ये हमारे गांव का रास्ते का व्यू, जहाँ पे हरी भरी फसलें आपको देखने को मिल रही होंगी, भी सभी के खेतों में गेहूं है, सरसों है। तो ये सारी चीज़ें, इससे खेत बहुत अच्छा लगता है। सरसों के जो फूल होते हैं ना पीले पीले, उससे तो खेतों में चार चांदी लग जाते हैं। तो रास्ता तो बहुत ही अच्छा है, बढ़िया मज़ेदार है, धूप भी लग रही है, हवा भी लग रही है। और ये है मेरा गांव, मतलब मेरे पापा का गांव, मायके वाला गांव हम लोग आ गए हैं। इसके बाद ही हमारा ससुराल वाला गांव मिलता है। तो ये देखिए, ये मैं भी आपको माता का मंदिर दिखाऊंगी जहां पे हम लोग आए हुए थे दर्शन करने के लिए। तो ये हमारा गांव है जिसका नाम है भगे, और ये मेरे पापा का गांव है, मायके वाले पापा का। और चलो चलते हैं, बस मैंने इतना ही व्लॉग शूट किया था, फिर नहीं किया था। 1:30 बज गया, हमको अभी पहुँचे नहीं है, स्कूल चले हम, तो 2 बजे तक पहुँचेंगे, 2 बजे तक पहुँचेंगे ना, मैं जगह जगह बच्चों के लिए कुरकुरे। चलो आगे पास रखे हैं, बैग में रखे हैं, वो ना खाएं भाई साहब, चलो लेना वो तो ले लो कुछ दुकान वाले। A few moments later, हां आ गए हैं, कर बहुत कर रही है, वो लगी उसके ऊपर एक और। ये गाय का बच्चा। तो हम लोग यहीं पर ही प्रसाद बनाएंगे, जो प्रसाद बनता है वो मलीदा बनाएंगे हम लोग। तो ये गुड़ लेके आए हैं मार्केट से, घी और आटा मम्मी ने रख दिया था पापा के साथ में। तो बस अभी हम जाएंगे चूल्हे के पास, क्योंकि गांव में तो आपको पता है चूल्हा ही मिलता है। तो भाभी तो हमारी एक्सपर्ट है चूल्हे में, अभी बनाएंगे हम प्रसाद यहाँ पे। जल गई रुको ना, बाप रे जा पाव हो गई है थोड़ा। ओ वे 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 बस तुम्हारी पास जा ले, ये रखेंगे ना, हां तुम्हारा रख दे बस। बहुत काला था ये, मतलब कंडा गिरता है ना, 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 ना। अच्छा तो ये लगता है ना कोई आ रहा है। तो मुझे हो रही है खांसी और उसकी वजह से मैं तो फूक ही नहीं पा रही थी। भाभी ने फिर चूल्हा अच्छे से फूक करके जला दिया। और यहाँ पे ये दादी और ये जो भाभी हैं, ये यहीं पे रहती हैं। तो इन्हीं की ये रसोई है जिसमें हम बना रहे हैं अपना प्रसाद। तो सामान सारा हमारा ही है और बस हम चूल्हे का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मलीदा होता है ना, पहले रोटियाँ बनाते हैं, मतलब गक्कर टाइप में मोटी मोटी, फिर उसको मैं मसलने का काम कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिक्सर वगैरह तो है नहीं, तो मैं हाथों से ही मसल रही हूँ। उनको ऐसे मैश कर देंगे और उसके बाद में फिर हम इसमें घी ऐड करेंगे, गुड़ ऐड करेंगे, और फिर ये मलीदा बनके तैयार हो जाएगा, जिसका लगेगा भोग। A few moments later, बाकी की मिठाइयाँ, फल, ये सारी चीज़ें हम मार्केट से लेकर के आए हैं। और जो स्पेशली बनता है वो हमने यहीं पे आके बनाया। और बनाने के बाद अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो सारी पूजाएँ तो हम नहीं करते हैं, जेंट्स करते हैं, हम तो एक दो जगह ही पूजा करेंगे। तो हम जा रहे हैं सबसे पहले मेवाती बाबा पे दर्शन करने के लिए, वहाँ पे भोग लगेगा। हाँ
तो पहले हम लोग तो नहीं आ रहे थे, सभी जेंट्स आ रहे थे, फिर हमने सोचा कि हम भी चलते हैं, हम क्यों मना करें। तो फिर हम लोग भी तैयार हो गए बच्चों के साथ, और मतलब फैमिली में से हम सभी लोग आए हुए हैं, पूरी फैमिली आई है, और बस मम्मी नहीं आई, मम्मी की जगह पापा आ गए थे, तो कोई एक तो है हमारे साथ बड़े। तो यहाँ पे अभी ये मेवाती बाबा का स्थान है, यहाँ पे पूजा हो रही है, तो ये है कालका मैया का स्थान, और यहाँ पे हम मतलब मैं और भाभी दोनों पूजा कर रहे हैं, और ये जो दादी है ये हमें बताती जा रही हैं कि कहाँ पे क्या कैसे करना है, क्योंकि मम्मी नहीं ना इसलिए यहाँ पे दादी हैं वो मिल जाती हैं, तो वो पूजा करवा देती हैं। और बस यहाँ पे हम उनके लिए सुहाग का सामान लेके आए हैं, नारियल है, मिठाइयाँ हैं, फल हैं, चुनरी है, तो उनका हम यहाँ पे सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे पूजा करेंगे, हवन करेंगे, और ये हमारे पुस्तैनी गांव है, मतलब पापा का रियल वाला घर, मम्मी का रियल ससुराल, और जो दूसरी जगह हमारा घर है दूसरे गाँव में, वो वहाँ पर तो बाद में आकर के रहने लग गए हैं, पहले तो मम्मी यहीं पर ही रहती थी, यहीं पर उनकी शादी होकर के आई थी, तो ये हमारा पुस्तैनी गाँव हुआ। अपने गांव आए हुए हैं पूजा करने के लिए, अभी एक जगह कौन सा गांव है, एक जगह और जाएंगे हम, आए नाम नहीं बताते हैं, तो हम लोग अभी एक जगह और जाएंगे, फिर अभी तो हमने कुछ खाया नहीं है, शाम के 4:30 या 5 बज रहे हैं, पता है लेट हो गए, क्योंकि आके हमने यहाँ पे बनाया भी था ना खाना जो भूख लगाते हैं वो वाला। चलो चलो चलो, ये हमारे ससुराल में पापा वाला गाँव है, यहाँ पे आपका जन्म नहीं हुआ था ना, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, लोग आके निकल गए, मैं पीछे ही रह गई। अपने खेतों में भी जाएंगे किसी दिन, अपने गांव में आपको लेके चलेंगे जहाँ इनका जन्म हुआ था, है ना, है किसी दिन चलेंगे ना। तो पेड़ ये काली गाय नहीं, 5 नारियल थे, नारियल 5 थे। निकल गई हूँ, ये सासू माँ का ससुराल, ये हमारी सासू माँ का ससुराल है, मम्मी के ससुराल में इतना, लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं है क्या, ये वाला ये है मम्मी की, वो इसमें मम्मी रहती थी ना, ये तो वो वाला कर रहे, वैसी आवाज कर रहा है धीरा कायम, यहाँ पे पूजा होती है कई वर्ष पुराने हैं, ये पूरा दिखाओ जी, ये से रूम होते थे पहले यहाँ पे, ये भी ये कुंडा है, और ये क्या है, इसमें गाय भैंस के लिए है ये, और ये बड़ी सी आंगन है यहाँ पे, ये दो बच्चे मेरे इर्द गिर्द घूमते हुए गाइस, अच्छा लगता है गांव में आकर के, तो तुम यही रुक जाओ एक दो दिन, ठीक है मुझे लेने के लिए आ जाना, ठीक है Done. तो सभी जगह पूजा करने के बाद हम खाना बना के लेके आए थे घर से, तो यहाँ पे आलू मटर की सब्जी है, अचार है, पूरियाँ हैं, तो हम सब खाना खाएंगे, प्रसाद भी साथ में ही खाया था, और बस फिर हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो गाइज हम लोग अभी लौटते टाइम कालिंदरी पे रुक गए थे, बहुत अच्छी जगह है ये, मछली है इसमें, ये जगह भी बहुत अच्छी है, एकदम शांतिपूर्वक है, और यहाँ पे आकर के आराम से मैं वीडियोस वगैरह बना सकती हूँ, हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो आई लव कालिंदरी यहाँ पे है, और अभी हम यहाँ पे पानी पूरी ऐसी आवाज आ रही थी गाड़ी में, Thank you.
पापा को इतनी सर्दी लगी थी कि पूछो मत। तो पापा तो लग रही होगी ना सर्दी, गाड़ी पे और लग रही है क्या भैया? क्या One hour later. So guys, हम लोग वापस आ गए हैं। टाइम देख सकते हैं आप, 7:45 हो गए और चाय बनने के लिए लग गई है। भगवान जी की आरती भी कर दी मैंने आकर के, बहुत ठंड है। और उसके बाद चाय पीने के बाद फिर कुछ देखेंगे, खाने पीने का बनाएंगे, कपड़े चेंज करेंगे। चलो चाय बन रही है, चाय पियोगे? पानी टिक्की तो हमने पी ली। ठंड में फटाफट से एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। आकर मैंने बड़ी अदरक वाली सबके लिए चाय बनाई। बाद में कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, सबसे पहले मैंने हाथ मुंह धुल करके भगवान जी की आरती की और फिर मैंने यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दी थी। तो बस चाय बन चुकी है, चाय पियेंगे, थोड़े बहुत हाथ सेकेंगे और फिर हम अपना जो खाना पीना है वो देखेंगे। सुबह के काम तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं थे, मतलब सुबह से लेकर के हमें रात हो गई, 10:30 बज गए, इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। A few moments later. तो फटाफट से मैंने एक साइड लगा दिया है मटर पुलाव और एक साइड मैं बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि कुछ लोग रोटियाँ खाएंगे और हमें तो चाहिए राइस, क्योंकि फिर है नेक्स्ट डे एकादशी तो फिर नहीं खा पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे राइस बनने के लिए रख दिए थे। और बस यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ। सुबह की सब्जी थोड़ी सी हम बचा के गए थे, तो वो सब्जी है, दाल भी है, तो उसके साथ में जिनको रोटियाँ खाना है वो रोटी खा लेंगे। मैंने दाल में तड़का भी लगा दिया था। तो बस चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं और यहाँ पे अभी खाना बनेगा, फिर हम सब लोग खाना खाएंगे, बर्तन को क्लीन करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस फाइनली हम लोग फ्री हो गए हैं सब कामों से, घर आ गए वापस और आकर के वही रूटीन, खाना पीना, आरती, चाय। इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग गई थी ना, हमने फिर बाहर आग ही जलाई और थोड़े से हाथ सेके हैं ना, और फिर हम लोगों ने डिनर किया। और जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना तो थोड़ी सी रोटी बनाई थी, बाकी का हमने राइस बनाया था, तो वो खा के बर्तन सारे साफ़ करके, क्योंकि जूठे बर्तन छोड़ते नहीं हैं। अब बेड पे आ गए हैं, 10:30 बज रहे हैं, ब्लॉग भी एडिट करना है, बहुत ज़्यादा थक भी गए, नींद आने लग गई है। तो अब इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हम लेंगे नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट दीजिए प्लीज़ अपना और डेली वॉच कीजिए ब्लॉग, मैं कोशिश करूँगी डेली आपको देने की। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, आईडी इन यूट्यूबर शौरांजलि है। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।